अरे हयात, कैसी हो तुम? चलो जल्दी जल्दी अंदर चलते। वेट एक मिनट, आप कौन है? मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे हयात, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे मुझे पहचाना नहीं क्या तुमने? मैं तुम्हारा हस्बैंड जॉन। क्या हस्बैंड? वो भी मेरा? मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल नहीं है। मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी एक अपाहिज नहीं है। दिमाग तो ठीक है आपका? आप ना मेरे घर में आने की कोशिश भी मत कीजिए। और एक अपाहिज से भला मैं क्यों शादी करूंगी? हयात, तुम ये सब क्या बोल रही हो? मुझ जैसे के साथ तो कभी शादी ही ना करो। अरे तुम्हारी बातें मेरे कुछ समझ नहीं आ रही है। ठीक है, आपको समझ नहीं आ रहा तो समझा देती हूँ। आप जैसे एक अपाहिज के साथ मेरा रहना पॉसिबल नहीं। एक अपाहिज की जिंदगी भला कैसे चल सकती है? भीख मांग के? अब आप भीख मांगेंगे और मुझे भी आपके साथ भीख मांगना होगा। अगर यही सोचते हैं तो सॉरी, मेरे लिए एक भिखारी के साथ जिंदगी बिताना पॉसिबल नहीं। तो आपको मैं नमस्ते करती हूँ और टाटा बाय बाय भी। अरे हयात, ये सब तुम क्या बोल रही हो? अरे तुम्हें तो गर्व था कि मैंने देश के लिए अपने ये हाथ गवा दिए हैं। तुम क्या पागल हो गई हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है क्या? मुझे फख्र होना चाहिए? एक अपाहिज इंसान के लिए मुझे फख्र होना चाहिए? देखिए, मैं साफ साफ कहती हूँ कि आपके साथ रहना नामुमकिन है। और तो और मुझे समझ नहीं आता कि आप अपाहिज कैसे बने और हुए भी क्यों? आप अपाहिज ना होकर मिशन में जाकर मर ही क्यों नहीं गए? शहीद हो जाते, इससे दुनिया से एक बोझ कम हो जाता और आपके परिवार का भी बोझ, और मुझे भी आपसे शादी नहीं करनी पड़ती। आज सब समझ आ गया। मुझे है ना काफी ज्यादा गर्व था कि मैंने तुम जैसी लड़की से शादी की है, लेकिन मैं तो पहचान ही नहीं पाया कि तुम्हारी मेंटालिटी इस तरीके से खराब है। मैं तुम्हारे साथ एक पल के लिए भी नहीं रहना चाहता। क्या तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते? एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, और एक अपाहिज के साथ तो मैं कभी नहीं रह सकती। और तुम्हारे हाथ मैं तो क्या कोई नहीं पकड़ेगा। बाय द वे, हाथ भी तो नहीं है, पकड़ेगा क्या? जो भी हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। तुम मुझे क्या छोड़ोगे? मैं तुम्हें छोड़ती हूँ। तुम जाओ यहाँ से। अब आ जाते हैं मुंह उठाकर। अरे यार, कब तक इसे फॉलो करना पड़ेगा? अरे ओ मैडम, जरा हमारी तरफ भी तो देख लो। रुको, अरे रुको यार, कहाँ जा रही हो? अरे सुंदरी, हम कब से बुला रहे, देखती क्यों नहीं? प्रॉब्लम क्या है आपको? घर में आपके माँ बहन नहीं है क्या कि रास्ते के किसी भी लड़की को छेड़ते हुए चल रहे हो तुम लोग? अरे माँ बहन तो है, लेकिन तुम्हारे जैसा माल नहीं है ना, और शर्म वरम कुछ नहीं है, तभी तो तुम्हें छेड़ रहे ना। हमारे पास शर्म है ही नहीं। देखिए, जरा सी भी बदतमीजी नहीं करना, और बहुत दिनों से देख रही हूँ कि आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हो, प्लीज बंद कीजिए। अच्छा ऐसी बात है, मतलब तुमने भी नोटिस किया कि हम कब से तुम्हारा पीछे से पीछा कर रहे थे? तो ठीक है, हम फिर सामने से करेंगे। हम आज के बाद सामने से तुम्हारा पीछा करेंगे, तुम्हें देखते हुए, चलेगा ना? और सामने से भी तुम्हारे जैसा माल एकदम माली लगेगा मैडम। क्या रे मवाली, छेड़ता तो बहुत अच्छा है, है? अभी मैं आ गया हूँ, मेरे को छेड़ के दिखाना। क्या रे, माल के साथ तो माल गाड़ी भी फ्री आई है, इसका क्या करें? अरे इसको देख के तो ये आर्मी वाला लग रहा है, साले बेल्ट से बहुत मारते हैं ये लोग, पता है? और फिर भाग नहीं अच्छा होगा, भाग। अरे भाग। क्या रे, लड़की छेड़ता है, साले रुक, वहीं पर आता हूँ। तुम यहाँ? और तुम्हारे वो हाथ, अभी तो देख रही हूँ दोनों सलामत हैं। बिल्कुल, तुमने सही देखा, मेरे दोनों हाथ सलामत है, और मैं बिल्कुल भी अपाहिज नहीं हुआ था। मैं तो बस तुम्हारा टेस्ट ले रहा था। टेस्ट? किस चीज का? कैसा टेस्ट? तो फिर सुनो, कुछ वक्त पहले ही हमारे डिपार्टमेंट में किसी फौजी के पैर भी चले गए और हाथ भी चले गए, तो उसी समय उसके घर वालों ने असली रंग दिखाया, खासकर उसकी पत्नी। उसकी पत्नी ने उसे दूर जाने के लिए कहा, उसकी फैमिली वालों ने भी उसे नहीं अपनाया, बल्कि उसे कहीं और जाने को कहा। तो मैं भी देखना चाहता था, अगर मैं भी किसी हादसे में अपाहिज हो जाऊं और मेरे भी हाथ पर चले जाए तो तुम मेरे साथ कैसा व्यवहार करती हो। और मैंने देख लिया तुमने कैसा व्यवहार किया। आयत, मैं सबसे ज्यादा तुम्हें ही प्यार करता था। मेरे माता पिता के जाने के बाद तुम ही मेरे लिए सब कुछ थी। तुम्हारे नाम ही मैंने अपना सारा जीवन कर दिया था, और तुमने आज मेरे साथ जो किया, तुमने मुझे ही अपने घर से बाहर निकाल दिया। पता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, पर मैं कर भी क्या सकती थी? एक इंसान जो अपाहिज है, उसके साथ मुझे जिंदगी बितानी है, क्या इतना आसान है? हाँ, प्यार के लिए अगर सोचूं तो हाँ, जरूर हाथ पैर उतना मैटर नहीं करता, पर मैंने लॉजिकली सोचा था, प्रैक्टिकली सोचा था। हाँ, मैं समझती हूँ कि मैंने गलती की है, पर इतना कुछ होने के बावजूद तुमने मेरी मदद की। देखो आयत, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हें अपनी पत्नी होने के नाते बचाया है? नहीं, देखो मैं एक फौजी हूँ,
और इस देश के प्रति मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं, मैंने सिर्फ उसे निभाया है और कुछ नहीं। और मैंने इस समय बस वही किया जो मेरा कर्तव्य था और कुछ नहीं। हाँ मुझे मालूम है मेरी गलती थी, पर मैं क्या करती? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि एक अपाहिज के साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिता पाऊँ। मैंने प्रैक्टिकली सोचा था, लॉजिकली सोचा था, और आप जब लॉजिकली सोचते हो तो ये सब डिसीजन लेने पड़ते हैं। पर मेरा यकीन करो, मैं अभी भी तुमसे प्यार करती हूँ, जाने दो जो भी हुआ है। लेकिन आयत, अब मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता और तुम्हारे साथ रहना भी नहीं चाहता। जिससे हम प्यार करते हर कदम पर उसका साथ देते हैं, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने तो मुझे अपाहिज होने पर मेरे घर से बाहर कर दिया, इसलिए मैं खुद आज तुम्हें ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, समझी? हमेशा खुश रहो और अपना ख्याल रखो, चलता हूँ। मेरी बात तो सुनो, एक इंसान से गलती हो सकती है, प्लीज।